तो यहाँ होने लग गई है मेरी सुबह सुबह की तैयारी। तो यहाँ पे बन रही है पापा के लिए चाय और ध्रुव के लिए सब्जी, और ये डाल दिया ध्रुव का टिफिन, आलू बैगन की सब्जी, रोटी और स्नैकिंग के लिए कुछ चना, और चने में मैंने नमक ऑलरेडी है, नींबू डाल दिया है, तो जब इसका लंच टाइम होगा तो नींबू उसके ऊपर से डाल के चना खा लेगा। और यहाँ पे 2 दिन के बाद मिस्टर पतिदेव पहुँचे हैं घर, कल दिन में गोली देने के बाद कि खाना बना के रखना, और खाना बना के रखा और मेरा खाना वेस्ट कर दिया। फिर हमने वही खाना शाम को खाया है, पता है आपको कितना कितना धोखाधड़ी वाला इंसान है। लोआ क्या कर रहा हो तू? जब गाड़ी आती है तभी टॉयलेट आती है इसको। पे आते आते बता रही हूँ लोगों को कि यहाँ पे आते आते और दूसरा काम नहीं होता है, सबसे पहले गाड़ी धुलती है। और आज मैंने पूरे आंगन में मारे अकेले झाड़ू। तभी मेरे पतिदेव नंगे पैर चलने लग गए, आज इतना साफ हो गया है, कल तक कंकड़ चूर रहे थे ना हल्के हल्के से। और यहाँ मिला बैठा है चूहा, इसको मैंने खाना वाना दे के अब इसका हो गया 1 घंटा पूरा। अब मैं इसको नहलाती हूँ पहले। नहीं 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 करनी है तेरे चूहे की नहाने की पूरी तैयारी। आज लगाऊंगी शैम्पू क्योंकि इसका जो साबुन है वो रखा है ख़त्म, और मेडिकल से लेके आना है। और ये है इसका टावल, अब नहाने के लिए तो इसके प्राण सूख जाएंगे। चलो अब अंदर नहीं, पहले पहले बाहर, और नहीं नहीं चलो 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 जल्दी चलो। तो आज हमारी ढुमरकों की नलाई हो रही है, और आज धूप भी, मौसम भी अच्छा है, धूप भी आ रखी है, गर्मी भी हो रही है, और नहाती बड़े प्यार से है। अभी सब लोगों का नंबर आएगा, अब देखो कौन मस्ती नहाता है। तो एकदम बिल्कुल चिल्लाती भी नहीं, एकदम बढ़िया करके नहाती है। और हमारी सनी तो ऐसे नहाती बच्चों की तरह है ना, जैसे छोटे बच्चे को नहलाते हैं। गुड यार, बस हो गया, नहला के मैंने रख दिया है अपने हाथ पे तौलिया में लपेट के, अब थोड़ी देर में पूछती हूँ। और ये है आज इनका, बड़े बच्चों को भी नहाने का दिन। गर्मी बहुत है और बारिश में भीग भीग के इनके अंदर से भी बड़ी बदबू बदबू सी आने लग जाती है, तो नहा लेते हैं। सुल्तान गायब है, सुल्तान ढीठ है, वो तो जब तक लेना ना जाओ तब तक नहीं आएगा। चले नहा लिए सब ने, सुल्तान, सुल्तान के पप्पा, सुल्तान की मम्मी, सुल्तान की बहन, सब ने नहा लिया है। फिर तो कावा मजे आए, मजे आए, और बैठ गए हैं लाइन से। क्या है? थोड़ा सा इनको भी गर्मी में राहत मिल गई होगी क्योंकि बारिश आ रही है, फिर धूप आ रही है, तो उमस हो जा रही है बहुत ज्यादा। और नहला के थोड़ा सा सुकून मिल गया हुआ नहा के आज इनको। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? तो यहाँ पे हो चुकी है मेरी मॉर्निंग की स्टार्ट, और मॉर्निंग की स्टार्ट आज करते ही तो पहले आज लेट ना आया मैंने, क्योंकि पहले आज बच्चों को नहलाना था, फिर उनको नहला के फिर मेरी हालत दोबारा वैसी हो जाती, तो इसलिए मैंने आज स्किप किया सबेरे नहाना, और अभी थोड़ा देर पहले फ्रेश व्रेश हुई हूँ, नहाया वाया है। अब करते हैं थोड़ा सा अपना ब्रेकफास्ट, पहले चाय पीती हूँ, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद बाकी की दिनचर्या करती हूँ। तो दिखाती हूँ आज की दिनचर्या में क्या है। और 2 दिन से मेरे पति मुझे टामा देने के बाद कि आज दिन में खाना खाने आऊँगा, शाम को खाना खाने आऊँगा करके आ नहीं रहे थे, तो मेरा इतना खाना वेस्ट जा रहा था। कल दिन में भी प्रॉमिस किया था आऊँगा, बट आए नहीं थे, किसी कारण से कहीं चले गए थे। तो फिर हमने शाम को यार वही वाला खाना खाया जो उनके लिए बचा था। तो चलिए आगे के ब्लॉग में ऐसे बने रहिए, और दिखाती हूँ कि आज क्या करती हूँ। तो चलिए, और अब ये करने लग गई हूँ मैं अपना ब्रेकफास्ट। आज काफ़ी टाइम के बाद मुझे अंडे खाने की क्रेविंग हुई, तो मैंने बनाया अपने लिए अंडा। आज मैं आ गई हूँ फिर से अपनी रसभर की रसोई में, और आज मेरी रसोई में मेरा साथ दे रहा है कौन, दिखाती हूँ आपको आज कौन बना रहा है। तो आज मेरी रसोई में आ गए हैं मेरे से 3 फीट ऊंचा इंसान,
जिसके सामने मैं सिर्फ मुंडी दिख रही है, तो हमारे लिए देखो कैमरा ऐसा करना पड़ रहा है। तो आज हम दोनों मिलके बना रहे हैं खाना, मतलब बना मैंने दिया है, सिर्फ एक चीज का आप लोगों से पूछूंगी कि कैसे बनता है करके। यहाँ पे मैंने बना दी है बैगन और आलू की सब्जी, और यहाँ पे मेरा राइस भी बन गया है, और ये पतिदेव बना रहे हैं अभी भट्टे का पीसा हुआ, जो हमारे पहाड़ियों में हमारे उत्तराखंड का काफ़ी ज़्यादा फेमस है दाल, भट्टे की पीसी हुई दाल जिसे बोलते हैं। और मेरे पतिदेव का कहना है कि इसमें जब हम इसे भूनते हैं तो इसमें बेसन नहीं डालते हैं, मतलब आटा या फिर बेसन नहीं डालते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें डालते हैं। जो जो पीसा हुआ आइटम होता है ना, हाँ, उसमें वो थिकनेस रहती है, तो पीसा हाँ, वगैरह डालते हैं थिकनेस के लिए डालते हैं, तो ये पीसा हुआ है तो हाँ, इसकी ग्रेवी ऑटोमेटिकली बन जाती है, थिकनेस ना आ जाती है। इनका ये कहना है कि इसमें थिकनेस ऑटोमेटिक आएगी, और इसमें ये कुछ आटा ना बेसन कुछ यूज़ नहीं करेंगे। जब मैं बनाती थी तो मैं थोड़ा सा आटा डालती थी, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा हो जाता था करके। तू तो अब बनाती है, मेरी मामा बना के चल रही है। तो आप मुझको कमेंट करके बताना कि इसमें बेसार के लिए बेसन या आटे का यूज़ होता है या नहीं होता है करके, फिर देखेंगे कि तुम सही हो या फिर मैं सही हूँ। क्या पता, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है अलग अलग तरीके से बनाने का। तो इसको बनाने में लगती है थोड़ी सी मेहनत, इसको काफ़ी टाइम तक हिलाना पड़ता है, तब जब तक इसकी थोड़ी सी भुनी भुनी सी स्मेल ना आने लग जाए, खुशबू ना आने लग जाए, और उसके बाद डाल देंगे इसमें पानी और बाकी के मसाले। तो मेरा तो ये करते करते हाथ हिल जाता है, बड़ा दर्द होने लग जाता है। तो आज फाइनली भट्टे की दाल बनाने का इनिशिएट लिया है मेरे पति ने, भट्टे का पिसा हुआ बनाने का। ये इन्हीं का फेवरेट है। कल भी मैंने इतना प्रॉपर खाना बनाया था, कल भी मेरे को बोली दी नहीं आए, और आज भी मैंने सिर्फ इनकी पसंद का ये बना रखा है, क्योंकि ध्रुव नहीं खाता है, पापा खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, ध्रुव नहीं खाता है, ध्रुव के लिए कुछ और चीज़ बनाऊँगी। खाना चढ़ा के आई हूँ, और साथ ही साथ खाना जब तक बनता है तब तक खाती हूँ कुछ फ्रूट्स। तो अभी एप्पल है, और ये वाला खट्टा है, ये वाला मीठा है, मम्मी बेबी एप्पल। ये लग गया है खाना, ये है पापा का खाना, ये है मिस्टर पतिदेव का खाना। मैं खाना वाना खा के हो गई हूँ फ्री, और समेट लिया है किचन मैंने अपना, यहाँ तक समेट दिया है सारा किचन, और यहाँ पे शाम के लिए थोड़ी सी दही जमा के रख दी है, अगर शाम तक जम जाती है तो। अब थोड़ा देर रेस्ट करते हैं, फिर करेंगे शाम की तैयारियाँ। और यहाँ पे बन गई है मेरी शाम की चाय। तो ये है पापा का, ये है बाकी ध्रुव मेरा और पतिदेव का। पापा बैठे हैं बाहर पे, तो पापा अपनी चाय एंजॉय करते हैं बाहर, और बाकी के सब लोग सोए हैं। उनके मूड पे डिपेंड करेगा कि वो उठ के चाय पीना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। बना दी है फिलहाल मैंने उन सब लोगों के लिए, पापा को दे दी है। अब देखती हूँ सबके सबका क्या हाल है। सब सोते हुए। आज का जो डिनर है वो है चिकन, मैंने आज इन लोगों के लिए बना रखा है चिकन, और यहाँ पे रोटी है, और मेरे को तो चिकन खाने का हिम्मत नहीं थी, तो मैंने अपने लिए बना रखा है खाली नॉर्मल एग। तो ये है आज का इनका स्पेशल डिनर। और यार मैं चिकन अच्छा बनाती हूँ ऐसा सब बोलते हैं। तो यहाँ पे खाना खा के डिनर करके हम हो गए हैं फ्री, और फ्री होने के बाद अब आज जल्दी सोते हैं, क्योंकि कल ध्रुव की है, 15 अगस्त भी है कल, और ध्रुव को थोड़ा सा जल्दी जाना है मीन्स उसको वो एनसीसी की ड्रेस पहननी है, तो उसमें उसको थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, और मुझे भी इसके फिर ब्रेकफास्ट को रेडी वेडी करना है, सब कुछ करना है, तो इसीलिए आज हम जल्दी खाना खा के हो गए हैं फ्री। अब सोने की तैयारी है, मिलती हूँ आपसे कल अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो ऐसे ही बने रहिए और अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिए। तो मिलती हूँ कल, बाय।